सीतापुर जिला अधिकारी के निर्देशन पर थाना कमलापुर ताल गांव की संयुक्त टीम ने शाहजलालपुर निवासी सातिर किस्म के गिरोह बंदी अपराधी संदीप गुप्ता के घर छापा मारकर एक कार दो मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर कुर्की की कार्यवाही की। हम आपको बता दें, कुर्की की कार्यवाही जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी के आदेश पर की गई थी, जिसमें सातिर किस्म के अपराधी संदीप गुप्ता पुत्र कमलेश गुप्ता निवासी बराई जलालपुर थाना कमलापुर के ऊपर अटरिया कमलापुर तालगांव लखनऊ के कई थानों में आपराधिक मुकदमे लूट चोरी के दर्ज हैं। साथ ही पुलिस द्वारा एक फार्चूनर तथा इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को ताला लगाकर सील कर दिया गया है। साथ ही दो मोटरसाइकिल व कार को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया गया है। वहीं आरोपी संदीप के भाई अनिल कुमार पिता कमलेश कुमार का कहना है, उनका संदीप से कोई लेना देना नहीं है, कई वर्षों से वह घर नहीं आता है। कमलापुर से देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद शुक्ला की रिपोर्ट। जलालपुर थाना कमलापुर, मेरे साथ आज कार्रवाई की गई है, जिसमें मेरी दुकान सीज कर गई, मेरी कार सेलेरियो जी थी वो ले गए, एक बाइक थी वो ले गए। यह कार्रवाई थाना तालगांव से हुई है। इसके उपरांत एक बार इसके पहले कुछ दिन पहले थाना गांव थे उप निदेशक आए थे, जो कि यह जानकारी मांगते हुए कि आपका क्या डाटा था। मैंने उनको बताया मैं 20 साल से अलग हूँ, मेरा भाई से कोई ताल्लुक नहीं, ना मेरे पिता से मेरा कोई ताल्लुक है, फिर भी ये बात ना सुनते हुए इन्होंने हमारे संग कार्रवाई कर दी। आज तारीख 10 तारीख 9 महीना दिन को जो मेरी दुकान सिर गई, कमलापुर की पुलिस के साथ में लेते हुए थाला गाँव से कार्रवाई की गई, जो कि गलत है, मेरा पक्ष नहीं सुना गया। मेरे पिता से भी संदीप से कोई रिश्ता नहीं है, और तब भी ये कार्रवाई की गई। अब बस इतना ही कहना।